भेड़िया और बांसुरी। एक भेड़िया था। एक बार वह भेड़ों के झुंड से एक मेमने को उठा लाया। उसे लेकर वह जंगल की ओर जा रहा था कि मेमने ने कहा, भेड़िया चाचा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे खा जाओगे, पर मुझे खाने से पहले क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? क्या है तेरी आखिरी इच्छा, भेड़िए ने पूछा। मेमने ने कहा, चाचा मुझे पता है आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, मुझे बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे मारने से के पहले कृपा करके बांसुरी की धुन सुना तो दो। भेड़िया बैठ गया और उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब भेड़िया ने बांसुरी बजाना बंद किया तो मेमने ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह वाह बहुत सुंदर चाचा, आप तो उस गडेरिए से भी अच्छी बांसुरी बजाते हो, इतनी सुरीली बांसुरी कोई भी नहीं बजा सकता, चाचा एक बार फिर बजाओ ना। मेमने की बातें सुनकर भेड़िया फूलकर कुप्पा हो गया। इस बार वह और जोर से जोश में आकर पहले की अपेक्षा ज्यादा ऊंचे स्वर में बांसुरी बजाने लगा। इस बार बांसुरी के स्वर गडेरिए और उसके शिकारी कुत्तों के कानों में पड़े। गडेरिया अपने शिकारी कुत्तों के साथ दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। शिकारी कुत्तों ने भेड़िए को दर्द दर्द बचा और उसका काम तमाम कर दिया। मेमना भागता हुआ भेड़ों को झुंड में जा मिला। इस कहानी से सीख, धीरज और सूझबूझ से ही हम संकट को पार कर सकते हैं।